अभी हम आपका करेंगे तो क्या बहुत ज़रूरी है कि हम एक इंटेंशन सेट करें कि जब हो रहा है तो हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में आए, और हम क्या चाहते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में अभी है जो हमें परेशान कर रहा है वो चला जाए। तो उसके लिए जो है इंटेंशन सेटिंग बहुत ज़रूरी है। तो आप ये सोचें कि आप फ्यूचर में क्या चाहते हैं और उसको विजुलाइज़ करें। जैसे अगर आप डिप्रेशन है तो आप ये विजुलाइज़ करें फ्यूचर में कि आप शांति से बैठे हुए हैं, कोई डिप्रेशन नहीं है, खुश हैं, लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे हैं। ध्यान से देखें तो इनमें क्या होता है कि आपका एक थोड़ी दूरी बन जाती है अपने विचारों से, आप विचारों में नहीं फंसे होते हैं तो आप दूर से अपने विचार देख सकते हैं ठीक से। तो अगर आपने एक बार अपने जो विचार आ रहे हैं, इमोशंस आ रहे हैं, जो मेमोरीज आ रही हैं पुरानी, उसको ठीक से देख लिया, उसको ठीक से समझ लिया, तो फिर वो आपको परेशान करना बंद कर देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसको ध्यान से देखें और जो भी आ रहा है उसको आने दें। कोई ऐसे एक्सपेक्टेशन में ना रहें या कोई चीज़ आ रही है जिससे आपकी अगर थोड़ी एंग्जाइटी बढ़ रही है या थोड़ा सा चिंता बढ़ गई, तो उसमें ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है, उसमें थोड़ा उसको आने दें, गहरी सांस लें और फिर वो आके अपना चली भी जाएगी। विजुलाइज़ करें बहुत डिटेल में कि फ्यूचर में जब आप डिप्रेस नहीं हैं तो आप कैसे हैं, खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, फैमिली के साथ, जॉब में इंजॉय कर रहे हैं। उसको बहुत ध्यान से विजुलाइज़ करें, गहरी सांस लें नाक से अंदर और मुंह से बाहर। पहली बार लाइफ में एहसास हुआ कि क्या कोई हुक बची है जो डिप्रेशन में इतने बाहर निकाल सकती है, क्योंकि मैंने बहुत से ट्रीटमेंट्स ट्राई किए, बहुत सी मेडिसिन ट्राई की। मैं 27 ईयर से परेशान था इस डिसीज से, लेकिन मुझे आज तक के कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला था, ना डिप्रेशन का, ना एंग्जाइटी का, ना ओसीडी का। लेकिन आज मुझे ऐसा रियलाइज हुआ है कि हाँ, अभी भी स्टिल कोई हुक है, और मुझे इस सेशन के बाद कुछ पॉजिटिविटी से फील हो रही है, कुछ खुशी सी लग रही है, कुछ दूरी सी लग रही है उन अजीब से थॉट्स से, जो अजीब से थॉट्स मुझे जिंदगी भर परेशान करते रहे। आज मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरे लिए एक होप है। तो इट्स अ गुड, इट्स अ वेरी गुड ट्रीटमेंट।